हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। सोनालिका ई गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। ये है आपकी अपनी पाठशाला, यहाँ आप सीख सकते हैं हर बार कुछ नया। सोनालिका ई गुरुकुल में आज हम जानेंगे कि घड़ी में देखकर समय कैसे बताएं। भाई साहब, टाइम कितना हुआ? अरे चिंटू बेटा, जरा पानी लाना, मेरी दवाई का समय हो गया है। पिंकी, 7 बज गए हैं बेटा, उठो ना, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। ये सभी बातें आपने कई बार सुनी होंगी और कई बार आप सोचते भी होंगे कि कैसे पता चलता है कि क्या समय हुआ है, और कैसे पता चलता है कि देर हो गई है, और कैसे पता चलता है कि घड़ी में इस वक्त कितने बज रहे हैं। तो आइए बच्चों, आज सीखते हैं घड़ी में समय कैसे देखते हैं। आपने कई तरह की घड़ियां देखी होंगी, जैसे कि हाथ में बंधने वाली, कुछ दीवार पर लटकने वाली और कुछ टेबल पर रखने वाली। तो बताइए, इन घड़ियों में कितने अंक या नंबर लिखे होते हैं? बताओ। हाँ, 1 से लेकर 12 तक सभी को गिनती आती है ना? तो चलिए एक बार दोहराते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बहुत बढ़िया। एक घड़ी में समय दर्शाने के लिए 2 हाथ होते हैं और एक तीसरा हाथ जो सेकेंड्स को दर्शाता है। आप सभी के पास कितने हाथ हैं? 2। बहुत बढ़िया। घड़ी के इन हाथों को काटा या सुई भी कहते हैं। ये तीनों सुइयां अलग अलग गति से दौड़ती हैं। एक पतली सी सुई जो सबसे तेज दौड़ती है उसे सेकंड की सुई कहते हैं, और दूसरी सुई जो थोड़ी धीमी गति से दौड़ती है उसे लंबी या बड़ी सुई कहते हैं। ये सुई मिनट्स दर्शाती है। और तीसरी सुई जो सबसे धीमी धीमी गति से चलती है उसे घंटे वाली सुई या छोटी सुई कहते हैं। घड़ी में किस वक्त क्या समय हो रहा है ये पता चलता है छोटी सुई से। छोटी सुई जिस भी अंक के सामने होती है इसका मतलब है उस वक्त वही समय हो रहा है। ये छोटी सुई दिन में 2 बार 1 से लेकर 12 अंकों तक का चक्कर लगाती है, जिसका मतलब है दिन में 12 और 12 24 घंटे होते हैं। लंबी सुई यानी मिनट वाली सुई 12वें अंक से शुरू होती है। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मानिए लंबी सुई 12 पर है और छोटी सुई 1 पर है, तो हम कहेंगे इस समय 1 बज रहा है। उसी तरह लंबी सुई 12 पर है और छोटी सुई 2 पर, तो हम कहेंगे 2 बज रहे हैं। या लंबी सुई के 12 पर होने पर छोटी सुई किसी भी और अंक पर हो तो हम कहेंगे इस समय वही समय हो रहा है जिसके सामने छोटी सुई है। चलिए बच्चों, अब जानते हैं मिनट वाली सुई के बारे में, जिसे हम लंबी सुई भी कहते हैं। ये लंबी सुई 1 अंक से दूसरे अंक तक 5 मिनट में पहुंचती है। उदाहरण के लिए मानो छोटी सुई 2 पर है और लंबी सुई 12 से चलकर 1 तक आ पहुंची है, तो हम कहेंगे 2:05 हुए हैं। और इसी तरह लंबी सुई के 1 अंक से दूसरे अंक तक पहुंचने पर हर अंक पर हम 5 मिनट जमा कर देंगे। तो देखा बच्चों, घड़ी देखना कितना आसान काम था। चलिए अभी बताइए कि इस वक्त आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है। अरे चलो खेलने का समय हो रहा है। प्यारे बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल आपके लिए ऐसे ही रोमांचक विषयों पर कार्यक्रम लाता रहेगा, जिसमें हर बार आपको मिलेगा कुछ नया जानने को और कुछ नया सीखने को।